वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल सिंपल लेकिन बहुत ही डिलीशियस, एकदम यम्मी डिलीशियस गार्लिक ब्रेड स्टिक्स। चीज कॉर्न से भरी हुई एकदम बढ़िया स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड स्टिक्स। आप एक बार जरूर ट्राई करिए ये सिंपल गार्लिक ब्रेड स्टिक्स। एक बार आप बनाएंगे तो बार बार इसे घर पे ही बनाएंगे, बाजार की ब्रेड स्टिक्स खाना तो आप भूल ही जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट लेट्स स्टार्ट कुकिंग। चीजी गार्लिक ब्रेड स्टिक्स बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए उसमें सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड। ये मैंने 4 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के लिए, आप व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। बटर, तकरीबन 50 ग्राम बटर है ये। ये सॉल्टेड बटर है, आप अनसॉल्टेड बटर भी यूज कर सकते हैं। कैप्सिकम, ये मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अनियन, एक छोटा प्याज जो मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 5 से 6 गार्लिक क्लव्स, 1 हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, स्वीट कॉर्न 1/2 कप स्वीट कॉर्न है, इनको मैंने 10 मिनट पहले बॉइलिंग वाटर में डाल के रख दिया था। ग्रेटेड मोजरेला चीज, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, सॉल्ट एंड पेपर, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची। चलिए सबसे पहले गार्लिक बटर बनाते हैं। गार्लिक बटर बनाने के लिए हमने रूम टेम्परेचर पे बटर लिया है। ये सॉल्टेड बटर है, आप अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ग्रेट करेंगे गार्लिक। आप गार्लिक ग्रेट करके, क्रश करके या ग्राइंड करके किसी भी फॉर्म में डाल सकते हैं। गार्लिक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 स्पून ऑरिगेनो, साथ में मैं ऐड करूंगी 1 ही स्पून चिली फ्लेक्स का। ऑरिगेनो, चिली फ्लेक और गार्लिक डालने के बाद हम बटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा एकदम बढ़िया गार्लिक बटर रेडी है। स्टफिंग के लिए सबसे पहले मैं बॉल में ऐड कर रही हूँ अनियंस जो हमने चॉप करके रखे थे, ग्रीन चिली, कैप्सिकम, कॉर्न, साथ में ऐड करेंगे चीज। चीज की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 1 स्पून ऑरिगेनो, खूब सारे चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून के बराबर ब्लैक पेपर, बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट हमारे बटर में भी है और सॉल्ट हमारे मोजरेला चीज में भी है, इसलिए सॉल्ट हम बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स और चिली आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब सारे मिक्सचर को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप ये स्टफिंग बनाने के लिए कोई भी वेजिटेबल्स ट्राई कर सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं जैसे कि कैरेट, कैबेज, लेटस, लेकिन सिर्फ प्याज, कॉर्न और कैप्सिकम का मजा अलग ही होता है चीज के साथ। तो अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखिए हमारी एकदम बढ़िया स्टफिंग रेडी है ना, कलरफुल स्टफिंग। तो चलिए चीजी ब्रेड स्टिक्स बनाना शुरू करते हैं। तो चीजी ब्रेड स्टिक्स बनाने के लिए मैंने पैन चढ़ा दिया है, पैन गर्म हो गया है। तो सबसे पहले पैन पे हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गार्लिक बटर जो हमने अभी बनाया था, तो हम ब्रश से स्प्रेड कर लेंगे। गार्लिक का एरोमा इतना अच्छा आता है इसमें। अब मैं इस पे प्लेस करूंगी 1 ब्रेड स्लाइस। अब हम इस ब्रेड स्लाइस के ऊपर भी थोड़ा सा गार्लिक बटर स्प्रेड करेंगे। इसका बेनिफिट ये होगा
कि जब हम इसके ऊपर स्टफिंग लगाएंगे तो स्टफिंग जो है वो हमारे स्लाइस को सॉगी नहीं करेगी, वो एकदम क्रिस्प रहेगा। अगर आप ब्रेड स्लाइस पे बटर लगाने के बाद कोई स्टफिंग डालते हैं तो आपका ब्रेड स्लाइस हमेशा क्रिस्पी बनेगा और वो बिल्कुल भी सॉगी नहीं होगा। इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे हमारी स्टफिंग जो हमने अभी रेडी की थी। एकदम कलरफुल स्टफिंग है हमारी, हम अपनी ब्रेड पे ऐड कर देंगे। इसके ऊपर हम प्लेस करेंगे एक और स्लाइस। दूसरा स्लाइस पे प्लेस करने के बाद हम इसको थोड़ा अच्छे से प्रेस कर देंगे और उसके ऊपर हम एक लेयर हम गार्लिक बटर की लगाएंगे। अब हम इसको चेक कर लेंगे कि एक तरफ से अच्छे से ब्राउन हो गया है कि नहीं। यस, अब हम दूसरी साइड से भी इसे ब्राउन करने तक सेक लेंगे। के ऊपर भी हम लगाएंगे हल्की सी बटर की कोटिंग। ये टोटली ऑप्शनल है, आप ये कोटिंग नहीं लगाना चाहते तो नहीं भी लगाइए, लेकिन गार्लिक बटर की लेयर लगाने से आपका सैंडविच बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और गार्लिक का बहुत ही ऑथेंटिक फ्लेवर आपको मिलेगा। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए एकदम प्रेस करेंगे। प्रेस करने से हमारा सैंडविच एक तो आपस में स्टिक हो जाएगा, दूसरा ये है कि हमारा चीज बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरह की गार्लिक ब्रेड स्टिक्स बनाने के लिए हमें लो फ्लेम पे ही काम करना है। हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो आपका ब्रेड भी जलने का डर है और आपका मोजरेला चीज भी बहुत स्टिकी हो जाएगा। तो आपका मोजरेला चीज प्रॉपरली मेल्ट करे उसके लिए जरूरी है कि हम इसे लो फ्लेम पे बनाएं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से हो गया है कि नहीं। यस, ये दूसरी साइड से भी एकदम क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सिमिलरली मैं दूसरे ब्रेड स्टिक्स भी बना लूंगी। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं इसे स्टिक्स की फॉर्म में कट कर लूंगी। वाओ वाओ, सच अ चीज़ी स्टिक्स हमारी कट हो रही है। सिमिलरली हम दूसरी स्टिक भी कट कर लेंगे। हमारी एकदम बढ़िया चीजी ब्रेड स्टिक्स रेडी है ना डिलीशियस। तो अब आ रही है टिप की। तो आज की टिप है मेरी गार्लिक को लेके। बहुत सारी डिशेस के लिए हमें गार्लिक की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पास्ता बनाने के लिए, नूडल्स बनाने के लिए, तो हमें गार्लिक की काफी अच्छी क्वांटिटी चाहिए होती है और हमें काफी स्ट्रॉन्ग गार्लिक का फ्लेवर चाहिए होता है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आपको क्विक गार्लिक का फ्लेवर भी मिल जाए और बहुत मेहनत ना करनी पड़े। तो आप ऑलिव ऑयल या कोई भी नॉर्मल कुकिंग ऑयल में, जैसे कि आप 50 ml ऑयल में 6-7 गार्लिक या तो क्रश करके या फिर ग्रेट करके या फिर बारीक बारीक चॉप करके उसमें ऑयल में डाल दीजिए और उसको 8-10 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। बीच बीच में कभी कभी उसे हिला दीजिए और थोड़े दिनों में देखिए आपका गार्लिक ऑयल रेडी है। तो आप जो भी इटालियन डिशेज बनाए यही ऑयल यूज करिए, तो आपको गार्लिक का जो एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस और एक्स्ट्रा टेस्ट चाहिए होगा वो मिनटों में ही आपको मिल जाएगा। अभी ट्राई करिए ये गार्लिक ब्रेड स्टिक्स, खाके देखते हैं। यम्मी, जरूर बनाइएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपकी गार्लिक ब्रेड स्टिक्स कैसी बनी। और एकदम मजेदार गार्लिक ब्रेड स्टिक्स एंजॉय करिए ब्रेकफास्ट में, इवनिंग की चाय के साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इवन ट्विटर पे भी।